तो एक बार फिर से वेलकम करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। आज हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं, हम लोग ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इसका सोल्यूशन करा दूँ, बिकॉज क्योंकि आपको इसे और अच्छा समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय के विलोम से भी कुछ कमी क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चन करा दूंगा किसी जगह के बुक से। चलिए शुरू करते हैं इसके एक्सरसाइज को और समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। अब बात की जा रही है सभी वृत्त क्या होते हैं। देखिए सभी वृत्त बात करें तो सर्वाक्षम नहीं होते हैं, लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी जो आकृति होती है वो एक दूसरे के समान होता है। तो सभी वृत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर सभी वृत्त जो है समरूप हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं कि सभी वर्ग सर्वाक्षम होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर सर्वाक्षम में नहीं जाएगा, बल्कि समरूप में जाएगा। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। बिकॉज ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक का प्रत्येक कोण क्रम अनुसार दूसरे के प्रत्येक कोण के बराबर होगा और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। अब बात करें तो सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज अगर बात करें तो सारे जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला बात ये कह रहा है कि यदि उनके संगत कोण ब्लैंक हो तथा उनकी संगत भुजा क्या हो, ब्लैंक हो। तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर संगत कोण फर्स्ट में हो जाएगा, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, यानी सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चनों का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि समरूप आकृति बताना है। मैंने यहाँ पर आकृति पहले से ही ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। देखिए समरूप आकृति किसे कहेंगे, वैसी आकृति जो एक दूसरे के समान होती है और उनके संगत कोण जो होता है वो क्रमानुसार दूसरे आकृति के संगत कोण के बराबर होना चाहिए और उनकी भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। तो देखिए ये वृत्त जो है और ये वृत्त जो है आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हम लोग ऐसी आकृतियों को देखेंगे कि जो समरूप नहीं है, देखते हैं वैसे आकृतियों को। चलिए तो हमारे पास ये आकृतियाँ हैं जो समरूप नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ये आकृति है ये इस तरह से कटा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये हल्का सर्कल टाइप का है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। सेकंड में ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के समरूप नहीं है, और दोनों सर्कल ही पूरा सर्कल नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो ऐसे आकृति के हैं जो कि समरूप नहीं है। अब हमारे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से कौन समरूप है और कौन नहीं है, बताना है कि कौन समरूप है और कौन समरूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात समझिए, हम तभी किसी आकृति को समरूप कह सकते हैं या बहुभुज को समरूप कह सकते हैं जब उसकी संगत कोण, एक का संगत कोण दूसरे के क्रमानुसार बराबर होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट आकृति है उसका संगत कोण दूसरे आकृति के संगत कोण के बराबर नहीं है। बात समझिए, यहाँ पर इसका तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हाँ इसका एंगल क्या 90 डिग्री बन रहा है, नहीं इसका एंगल 90 डिग्री से क्या बन रहा है, आपको इसका एंगल 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं थीटा एंगल है तो ये 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, तो ये एक पहलू पर तो खरा नहीं उतरता है, अर्थात इसका एक कोण क्रमानुसार दूसरे के बराबर नहीं है। अब दूसरा बात देख लेते हैं, क्या इसकी भुजाएँ जो हैं वो समानुपाती हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भुजा है 1.5, ये 3 है, 1.53 है, 1.53 है, 1.53 है। तो अगर बात करें तो इसकी भुजाएं को हम इस तरह से लिखेंगे 1.5, 1.5,
3 लिखेंगे और ये आपको जो है 1.5/3 लिखे हमने यहाँ पे, देखिए समझिएगा। हम अगर इसके भुजाओं को लिखते हैं क्या, 1.5/3 लिखा, बराबर होगा फिर 1.5/3 लिखा, तो फिर बराबर 1.5/3 लिखा। तो अगर देखा जाए तो इसकी संगत भुजा तो मानते हैं कि समानुपातिक है, लेकिन क्या इसका कोण बराबर है? कोण बराबर नहीं है। तो इस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आकृति है वो समरूप नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये आकृति क्या समरूप है? नहीं, ये आकृति समरूप नहीं है, ये आकृति समरूप नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, हम लोग कुछ केसी सिन्हा के बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बिकॉज क्योंकि NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन कम दिए हैं, तो थेल्स परमे से कुछ क्वेश्चन बनाना ज़रूरी होता है, तो हम लोग उस बुक से बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।